नमस्कार दोस्तों, YouTube वेद के मिसिव स्टोरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये जंतर है, भगवान श्री राम को एक अप्सरा ने दिया था श्राप, इसलिए सहना पड़ा माता सीता का वियोग। भगवान श्री राम त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। भगवान राम को एक अप्सरा ने दिया था श्राप, इसलिए सहना पड़ा माता सीता का वियोग। भगवान श्री राम त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके बारे में कई किस्से और कहानियां हम सब ने पढ़ी हैं। आज हम आपको उनसे ही जुड़ी एक कहानी के बारे में बता रहे हैं। जब वे माता सीता अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे और रास्ते में माता सीता का रावण हरण कर लेता है। लंका विजय के कुछ समय बाद एक बार फिर माता सीता उनसे अलग हो जाती है और श्री राम को माता सीता का वियोग सहन करना पड़ता है। माता सीता का उनसे अलगाव एक श्राप के कारण हुआ था। माता सीता की खोज के समय एक अप्सरा ने श्री राम को श्राप दिया था, जिससे उनको बुरा वियोग सहन करना पड़ा। आइए पढ़ते हैं उस घटना के बारे में। बात उस समय की है जब हनुमान जी की मदद से भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता हो जाती है। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली देवराज इंद्र का पुत्र था और किष्किंधा का राजा था। बाली को वरदान प्राप्त था कि उसके सामने जो भी लड़ेगा उसका आधा बल उसके अंदर समाहित हो जाएगा। इसके कारण वह सुग्रीव की संपत्ति पत्नी को हड़प कर राज्य से भगा दिया था। बाली सुग्रीव युद्ध। सुग्रीव ने जब श्री राम को अपनी व्यथा बताई तब उन्होंने बाली को युद्ध के लिए ललकारने को कहा। भयभीत सुग्रीव श्री राम के आश्वासन पर बाली से लड़ने पहुंच गए। सुग्रीव की ललकार सुनकर बाली कहां रुकने वाला था, वो सुग्रीव से लड़ने आ गया। दोनों के बीच गदा युद्ध होने लगा। इसी बीच भगवान श्री राम ने बाण से बाली पर प्रहार कर दिया, जिससे वह युद्ध में मारा गया। जब इस बात की सूचना बाली की पत्नी अप्सरा तारा को हुआ तो वही युद्ध स्थल पर पहुंची। उसे पता चला कि श्री राम ने उसे छल से मारा है। भगवान राम को श्राप। पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दिया कि आप भी भले ही सीता को खोज निकालें, लेकिन कुछ समय बाद आप दोबारा सीता को खो देंगे। जिस प्रकार से उसे पति का वियोग सहन करना पड़ रहा है, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी का वियोग सहन करना होगा। इतना ही नहीं, अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति के हाथों ही होगी। तारा के इस श्राप के कारण लंका विजय के बाद जब राम अयोध्या पहुंचते हैं तो कुछ समय बाद माता सीता वन चली जाती हैं। वहां महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण मानव रूप में जन्म लेते हैं तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु होती है। वह भील बाली का दूसरा जन्म था। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं, अपने जीवन से जुड़ी जानकारियां छोड़ देते हैं। आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए देव की म्यूजिक स्टोरी चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय सियाराम।